मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन में मैं आपका स्वागत करता हूँ और पूरा विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपनी फैमिली के साथ आप सुरक्षित हो गए। आइए आज फिर से एक बार, जो कल की वीडियो थी थोड़ा सा धुंधलापन की वजह से, आज मैं फिर से उसको बताने जा रहा हूँ। वाच तथा वाच परिवर्तन के अंतर्गत कर्तृवाच, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हम आपको लेकर के चलते हैं थाट की दुनिया में। जीतने वाले स्टूडेंट और हारने वाले स्टूडेंट में मूलभूत अंतर क्या होता है? जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है और वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। और हारने वाला स्टूडेंट इसमें विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो, अर्थात दुष्टपना का व्यवहार करता है। आइए आपको सबसे पहले वाच का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसके शाब्दिक अर्थ को अवश्य जानने का प्रयास करते हैं कि वाच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच का अर्थ ही होता है बोलने का विषय, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कहने योग्य, अर्थात कहने योग्य विषय जिसे कहा जा सके। ठीक, अब इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। वाच की परिभाषा है क्रिया के जिस रूपांतर से, तो आपका प्रश्न बनेगा किस रूपांतर से। ये कह रहा है क्रिया के जिस रूपांतर से, रूपांतर माने परिवर्तन से, क्रिया के जिस रूपांतर से, तो क्वेश्चन आप करेंगे सर किस रूपांतर से, तो मैं बताऊंगा कर्ता के रूपांतर से, कर्म के रूपांतर से और भाव के रूपांतर से। ठीक है, वाच के तीन भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, भाव। कर्ता का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, और कर्म का अर्थ होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाव का अर्थ होता है जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए, मतलब यह हमें पता चले कि कर्ता से क्रिया में परिवर्तन हुआ है, कि कर्म से क्रिया में परिवर्तन हुआ है, कि भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ रही है कि यह कहना क्या चाहता है। धीरे धीरे, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, अगर शुरुआती चीज़ों को आपने समझ लिया तो फिर लास्ट का जो बम ब्लास्ट होगा बड़ा ही पॉजिटिव होगा और आपके हित में होगा, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा और आप आगे करते ही जाएंगे। तो क्रिया के जिस रूपांतर से, क्रिया में किस
से परिवर्तन हो रहा है, जिससे परिवर्तन हो, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है और उससे जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात, क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो कही गई बात का विषय क्या है, यानी क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ, कर्ता के कारण हुआ कि कर्म के कारण हुआ कि भाव के कारण हुआ। अगर कर्ता के कारण हुआ तो उसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य, अगर कर्म के कारण हुआ तो उसे हम कहेंगे कर्मवाच्य, अगर भाव के कारण हुआ तो उसे हम कहेंगे भाववाच्य। यानी वाच तथा वाच परिवर्तन, मतलब बोलने के विषय तथा बोलने के विषय में परिवर्तन, ठीक है, कैसे होता है यही हम जानते हैं। क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो रहा है कि क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार हो रहा है कि क्रिया में परिवर्तन भाव के अनुसार हो रहा है, तो जिसके अनुसार होगा वही वाच्य होगा। तो परिभाषा आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। चलिए, यानी वाच की परिभाषा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस वाक्य में कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग में परिवर्तन हो, क्रिया के वचन में परिवर्तन हो, क्रिया के पुरुष में परिवर्तन हो, उसे वाच कहते हैं। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, तो क्रिया में परिवर्तन किसके कारण हुआ, कर्ता के कारण। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर कर्ता पुरुष में उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगी। मतलब कर्ता जैसे होगा उसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा। अब हिंदी में वाच्य तीन हैं, हिंदी में वाच्यों की संख्या तीन है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले आज फिर से हम समझेंगे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच को समझने के लिए एग्जाम्पल परिभाषा दिया है, क्या दिया है परिभाषा, कर्तृवाच, जिस वाक में वाच बिंदु अर्थात कहने का जो विषय हो वह कर्ता हो, ठीक है। वाच बिंदु यानी कहने का, कहने योग्य जो पॉइंट हो वह कर्ता हो, यानी कर्ता पर ही सब निर्भर हो, उसे हम कर्तृवाच कहते हैं। अब कर्तृवाच की एग्जाम्पल जानने से पहले आपको मूल तीन पॉइंट मैं बताता हूँ, और तीन पॉइंट को सिर्फ ध्यान देंगे तो कर्तृवाच आप पकड़ लेंगे। पहला पॉइंट है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, पहला पॉइंट, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कौन पढ़ रहा, राम पढ़ रहा, राम ही आमीन है और तो कोई है नहीं साथ में। तो पहला पॉइंट, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उस वाक्य में ये पता चला कि कर्ता ही मेन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पकड़ना है, दूसरा पॉइंट, क्रिया कर्ता के अनुसार आए, दूसरा पॉइंट है क्रिया कर्ता के अनुसार आए,
यानी क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या है, कर्ता है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी उसकी एक वचन में आ रही है और पुल्लिंग आ रही है ना। तो दूसरा पॉइंट है क्रिया कर्ता के अनुसार आए। तीसरा पॉइंट है कर्तृवाच में, अर्थात कर्ता जो वाक्य होगा उस कर्तृवाच में अकर्मक भी क्रिया होती है और सकर्मक भी होती है। ठीक है, कर्तृवाच में अकर्मक और कर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो, अ का मतलब नहीं, जिस वाक्य में कर्म न हो। जैसे राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन सा कर्म कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है कि उपन्यास पढ़ रहा है कि अश्लील कुछ पढ़ रहा है कि पत्र पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं, यानी जिसमें कर्म गायब हो। और सकर्मक का मतलब जिसमें स माने सभी, कर्म माने कर्म, जिसमें सभी कर्म हों। तो तीसरा पॉइंट है कर्तृवाच्य को पकड़ने का कि कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया होती है या सकर्मक क्रिया होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। तीन पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए हम आपको इसकी एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम रोटी, राम रोटी खा, राम रोटी खाता है, राम रोटी, राम रोटी खाता है। अब यहाँ देखिए कर्ता की प्रधानता है, रोटी कौन खा रहा है, राम खा रहा है। ठीक है, और दूसरा मैंने दिया क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है, तो खाता जो क्रिया है वो भी हमने पुल्लिंग में किया और क्या किया, एक वचन में किया। ठीक, दूसरा तीसरा मैं बताया हूँ कर्तृवाच में अकर्मक सकर्मक होते हैं, या तो अकर्मक क्रिया होगी या तो सकर्मक, तो यहाँ सकर्मक है, कर्म है, यहाँ पर रोटी, रोटी कर्म है, इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब इसमें कर्तृवाच्य है। दूसरा पॉइंट आपका है कविता गाना गाएगी। ठीक है, कविता गाना गाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं कविता, ये जो कविता है जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा, चलिए देखिए कविता गाना गाएगी। अब जो कविता है वो क्या है, कर्ता है, लेकिन क्या है, कविता कर्ता है और कविता क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और क्या है, एक वचन है, तो इसकी क्रिया जो गाएगी वह भी क्या है, स्त्रीलिंग में हो गई, एक वचन में हो गई। और दूसरा पॉइंट मैं बताया था, तीसरा पॉइंट कि जिसमें अकर्मक या सकर्मक क्रिया होगी, तो कर्म इसमें है क्या, गाना, तो गाना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसमें कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है वह व्यायाम कर रहा है। अब वह क्या है, करता है, क्योंकि कर रहा है, रही नहीं है, इसका मतलब करता है और पुल्लिंग है। ठीक है,
तो वह कर्ता है और पुल्लिंग है, एक वचन है, तो उस पुल्लिंग के अनुसार क्रिया भी रहा है, कर रहा है, ठीक, कर रहा हमने कर दिया। और तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि अकर्मक या सकर्मक क्रिया होगी, तो सकर्मक क्रिया है व्यायाम, क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। एक कर्तृवाच्य को पकड़ने का बेस्ट तरीका है, आइए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसे आप करेंगे भी। अब मैं लिखूं पहला एग्जांपल, राम राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जो राम है वह करता है और क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो इसकी जो क्रिया है पढ़ना यह भी क्या हो जाएगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन में लिखी जाएगी, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, ठीक है, कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया बदल रही है, इसका मतलब कर्तृवाच्य है, क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है, जो रूपांतर हो रहा है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है। अब पहला पॉइंट मैं बताया था जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता है, दूसरा बताया था क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, तीसरा मैं बताया था कर्तृवाच्य में या तो अकर्मक क्रिया होती है या तो सकर्मक क्रिया होती है। तो पुस्तक क्या है, इसका कर्म है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, यानी सकर्मक क्रिया है। इसका मतलब ये तीनों नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब ये 100% क्या है, कर्तृवाच्य है, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता, अब सीता क्या है, करता है और क्या है, एक वचन है और क्या है, स्त्रीलिंग है। तो करता है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो पहला पॉइंट मैं बताया था जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रही है, सीता। दूसरा मैं बताया था क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो मैंने यहाँ भी क्रिया भी पढ़ती लगाया, स्त्री, स्त्रीलिंग में लगाया। तीसरा पॉइंट बताया था उसमें कर्म होगा या तो कर्म नहीं होगा, अर्थात अकर्म या सकर्म, कर्म है पुस्तक। अगर मैं कहता सीता पढ़ती है तो भी क्या है, अकर्मक है, तो भी कर्तृवाच्य होगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर किसी भी चीज़ को आपको तैयार करना है तो धैर्य के साथ जितना भी समय लग जाए उसको एक एक करके समझते जाओ, दिमाग में प्रश्न बनाओ, क्यों कैसे, क्यों कैसे का जब तक आपके दिमाग में है रहेगा, आपको आगे ही बढ़ना है, आप क्यों कैसे दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर आप सफलता की अनंत ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। अब तीसरा मैं आपको बताऊं, अच्छा समय देख लें कितना समय हो गया, 19 मिनट हो गया। तो एग्जाम्पल अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, और कल मैं आपको दिया था कुछ पॉइंट, उसमें किसी बच्चे ने किया नहीं, ये तकलीफ की बात है। चलिए कल मैं मान लेता हूँ कि कल का जो वीडियो था थोड़ा क्लियर नहीं था, आज मैं दे रहा हूँ,
उसको करिएगा। लड़की पहला है, लड़की फूल तोड़ती है, उसमें ये बताना है कि कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, फिर क्रिया क्या है, एकवचन है कि बहुवचन है, ठीक है। लड़की फूल तोड़ती है। दूसरा है लड़का फूल तोड़ता है। दूसरा है लड़का फूल तोड़ता है। बस दो को ही आप करिए, ठीक है। तो इस हिंदी व्याकरण की जो अनुपम श्रृंखला वाच तथा वाच परिवर्तन है, यह आपको कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करेंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि आप को जहाँ भी समझ में ना आए आप फोन भी कर सकते हैं, फोन करके चर्चा कर सकते हैं। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में, अर्थात इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।